बसमान रहें रेडियो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन दैटल ऑफ एयरवे है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन और मेन जो हमारे पास सब्जेक्ट जिसमें हम डिस्कशन uh, हो रही है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का है रेडियो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल और बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है हम जरा आज इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे लेकिन इसकी जो डिस्कशन होगी वो मेनली पोलिटिकल जो रोल uh, है रेडियो का उसके हवाले से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ रेडियो एक जब शुरू हुआ तो दिस साइंटिफिक इन्वेंशन, लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ जंगों में चाहे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी या वर्ल्ड वार सेकेंड थी या उसके बाद कोल्ड वार शुरू हुई तो इन तमाम अवकात में चूंकि दुनिया के अंदर बड़ा पोलिटिकल टेंशन रहा है तो ये वो टाइम था जिसमें रेडियो भी डिवेलप हुआ एक इंटरनेशनल मीडियम के तौर पर एक्सेप्ट भी हुआ तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर भी सामने आया लेकिन ये देखने में आया है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम रेडियो वॉज यूज एज अ पोलिटिकल टूल फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स या जिसे कह सकते हैं कि जो वेरियस जो दो इम्पॉर्टेंट सुपर पार्स इन द वर्ल्ड थे एक सोवियत यूनियन और दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूनाइटेड स्टेट्स हेड कर रहा था इनके दरम्यान में जो एक तरह से वॉर जब कोल्ड वॉर की सूरत हाल रही दैट पैंड ओवर फिफ्टी ईयर्स तो उस वक्त रेडियो एक बड़े इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर काम कर रहा था लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ और आ, वार्स के दौरान जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई या वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई तो उस दौरान में इस रेडियो का यूज कैसा रहा एज एन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टूल उसको हम देखने की कोशिश करेंगे लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस रेडियो एज ए पोलिटिकल टूल ऑफ पोलिटिकल प्रोपेगेंडा हम जरा ये देखने की कोशिश करते हैं जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ इट कि रेडियो कब डेवलप हुआ कब इसकी फर्स्ट टाइम पहली ट्रांसमिशन हुई और किस इलाके के अंदर हुई कौन लोग थे जो ये ट्रांसमिशन में कर रहे थे इस पर एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा जैसे कि आप बेहतर जानते हैं इसको कि रेडियो डिवेलप किया गया था या रेडियो इन्वेंट किया गया था बाई मार्कोनी उसका पूरा नाम था गोग्लिमो मार्कोनी जिसने फर्स्ट टाइम रेडियो डेवलप किया रेडियो आ, इन्वेंट किया एंड दिस वाइम एटीन 1894, 1894 में ये फर्स्ट टाइम पॉइंट टू तो पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए रेडियोग्राफी या टेलीग्राफी के नाम से आ, एक डेवलप हुआ ये वो वक्त था अगर आप पिछले लेक्चर्स को इस लेक्चर के साथ कनेक्ट करें तो जब हम टेलीग्राफ की बात कर रहे थे तो टेलीग्राफ वाज विद दी हेल्प ऑफ केबल दिस वाज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन विद दल्प ऑफ केबल्स लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफी ये रेडियो वेव्स का सिलसिला शुरू हुआ रेडियो टेलीग्राफी का सिलसिला शुरू हुआ और ये इसका सेहरा जो है वो मारकूनी के सर पे जाता है जिसने रेडियो और इस किस्म के कम्युनिकेशन मीडियम को इजाद किया और इस चीज़ को पॉसिबल किया कि रेडियो के, के थ्रू मास लेवल पे कम्युनिकेशन हो सके तो ये एक तरह से मारकूनी के सर पे है और 1897 में ही जो एक पेटेंट मारकूनी के नाम पे आया और जो फर्स्ट एक वायरलेस टेलीग्राफ और एक सिग्नल कंपनी के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन उभरी जिस ने इस किस्म की कम्युनिकेशन जो कि रेडियो कम्युनिकेशन थी वो की और उसके बाद रेडियो एक कमर्शल मीडियम के तौर पर भी सामने आया एक पॉलिटिकल मीडियम के तौर पर भी सामने आया मैं अगर आपको लेके जाऊं कि आ, पहला आ, कौन सा ऐसा रेडियो का प्रोग्राम था जो शुरू किया गया फर्स्ट जो रेडियो प्रोग्राम था दिस वाज स्टार्टेड सम टाइम इन 1920 और ये डेट्रॉयट में जो मिशिगन स्टेट का एक शहर है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम शुरू हुआ और इस फर्स्ट प्रोग्राम का नाम था वॉइस इन द नाइट अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है वॉइस इन नाइट ये शुरू करने वाला एक नौजवानों का ग्रुप था जिसको हेड कर रहा था एक नौजवान जिसका नाम था माइकल लेसली लाइन ये बेसिकली माइकल लेसली लाइन ही हिमसेल्फ वाज नॉट इन फैक्ट टेकिंग इनिशिएटिव ऑफ हैविंग दिस काइंड का यंग मैन इन फैक्ट लेकिन इसके पीछे uh, कुछ न्यूज पेपर्स थे कुछ लोकल न्यूज थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि क्यों बिकॉज दे आर नॉट श्योर एट दैट टाइम अबाउट द सक्सेस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन बट दे वांट टू टेस्ट इट एट लीस्ट तो वो बजाय इसके कि वो खुद करते उन्होंने इस किस्म के एक नौजवानों का ग्रुप उन्होंने इकट्ठा किया और उनके थ्रू उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन की इब्त की ताकि अगर इस कम्युनिकेशन में कोई फेलियर सामने आते हैं या कोई ऐसा इशूज़ सामने आते हैं दैट कैन अर्न अ बैड नेम फॉर दी ऑर्गनाइजर्स तो दैट शुड नॉट गो ऑन डेट कैन नॉट बी शिफ्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो मीडिया ऑर्गनाइजेशन अपनी रेपूटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस किस्म के नौजवानों को टास्क दिया लेकिन दे वर फुली फंडेड बाई दी मीडिया ऑर्गनाइजेशन न्यूज़ पेपर ऑर्गेनाइजन उसको फुली फंड कर रही थी और इस किस्म की कम्युनिकेशन पहली मरतबा हुई जो कि बहुत सक्सेसफुल थी लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया और इस किस्म की कम्युनिकेशन को uh, मुख्तलफ न्यूज पेपर्स ने भी बड़े खूबसूरत स्टाइल में हेडलाइंस की सूरत में लोगों को बताया कि किस तरीके से वॉइस इन द नाइट एक कामयाबी की तरफ कदम है एक टेक्नोलॉजी की एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है वो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है तो न्यूज़पेपर्स ने उसको बड़े खूबसूरत हेडलाइन के साथ उसको अप्रिशिएट किया और दिस वॉज इनफैक्ट द फर्स्ट एवर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एवर ट्रांसमिशन दैट वाज मेड ऑन रेडियो और थ्रू रेडियो वेवस uh, इसको इस्तेमाल किया गया बट दिस वॉज डन बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंटेड बाई माइकल लेके अलावा अगर हम uh, देखें कि जो दूसरी इसी वक्त में इसी कंटेप्रेरी पीरियड के अंदर Buenos Aires में जो कि एक शहर है अर्जेंटीना का वहां पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि कॉलेज स्टूडेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक म्यूजिकल uh, uh, जिसे आप कह सकते हैं कि कंसर्ट था उसको आ, रेडियो वेव्स के थ्रू ऑन एयर किया दैट बिकेम आल्सो अ सक्सेस उसको भी बड़ी अप्रिसशन मिली एंड लेटर ऑन वो जो स्टूडेंट्स का जो म्यूज़िक उस वक्त प्ले कर रहे थे दैट बिकेम अ वेरी फेमस म्यूजिकल ग्रुप एक कंसर्ट ग्रुप के तौर पर सामने आया अर्जेंटीना के अंदर और फिर उसके बाद एक तरह से रेडियो अर्जेंटीना की भी इब्तदा शुरू होती है वहाँ से और एक तरह से एक रेडियो सेटअप जो है वो इन uh, सोसाइटीज़ के अंदर चाहे अमेरिकन uh, या नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी के अंदर रेडियो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर हमें उभरता uh, हुआ नज़र आ रहा है लेकिन जो इनिशियल इसकी इब्तदा जो एक तरह से होती है वो उस फॉर्म के अंदर होती है जहाँ पर ये एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के तौर पर एक मीडिया ऑफ इंटरटेनमेंट के तौर पर नज़र आता है जहाँ पर एक तरफ एक ग्रुप अमेरिका के अंदर मिशिगन स्टेट के अंदर आ, वो कोई खूबसूरत सी नाइट्स इन्जॉय कर रहे हैं अर्जेंटीना के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो बिगिनिंग लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिगिनिंग में इन दो जो कि कमर्शल लेवल की आप कह सकते हैं या एक आप ओपन सोसाइटी के अंदर जो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उस सोसाइटी के यूथ के लिए या उस सोसाइटी में जो लोग काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये ओपन फोरम के तौर पर अवेलेबल थे लेकिन इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई थी वो नेवल साइट से यूएस नेवल साइट से भी इसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई क्योंकि नेवल जो शिप्स थे उनकी कम्युनिकेशन के लिए ये जो रेडियो कम्युनिकेशन का एक आ, आ, सिस्टम था जो कि रेडियो की फॉर्म में इन्वेंट हो चुका था बाई मारकूनी ये फिर उन्होंने इसको ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया और इस पर मजीद इन्वेशनस भी या इस पर मज़ीद इस इन्वेशन पर डेवलपमेंट्स भी कें एंड दे यूज दिस मीडियम एज्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस वेसल्स दैट आर देयर इन द सीज तो ओपन सीज में कम्युनिकेशन का एक बड़ा अहम जरिए के तौर पर यूएस नेवल फोर्सेस ने इसको, इसको इस्तेमाल किया और जब ये इस फॉर्म के अंदर इसकी फादियत लोगों के सामने आई तो उस पे फिर डेवलपमेंट के भी नए रास्ते खुले और उसको एक फॉर्म ऑफ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर भी लिया गया इस किस्म की सिग्निफिकेंस सोसाइटी के अंदर जब रेडियो को मिलना शुरू हुई तो इसके साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी रेडियो के लिए डेवलप होना शुरू हो गए फॉर इंस्टेंस दैट वॉज टेकन एज अ थ्रेट टू द न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री न्यूज़ पेपर्स ने यह कंसिडर करना शुरू कर दिया कि अगर रेडियो इतनी तेजी से जितनी तेजी से सोसाइटी में फैल रहा था अगर ये फैलता रहा तो दैट वुड बी अ THREAT टू THE POPULARITY ऑफ न्यूज पेपर जैसे कहीं एक आम तो पर डिबेट आजकल भी हम मुख्तलि जगहों पर लेते हैं कि अगर न्यूज पेपर अगर ऑनलाइन न्यूज पेपर जाना शुरू हो जाते हैं और जितनी तेजी से इंटरनेट की ग्रोथ है और उसकी जो स्प्रेड है सोसाइटी के अंदर तो फिजिकल जो एक पेपर पे न्यूज पेपर है वो कौन खरीदेगा तो दैट विल रिड्यूस दिग्निफिकेंस ऑफ न्यूज पेपर इन प्रिंट और uh, लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे ही न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो ये डिबेट आज भी चलती है तो उस वक्त भी आई एम टॉकिंग समथिंग वन उस वक्त भी ये डिबेट थी कि न्यूज जो है आ, वो यकीन इफेक्ट होंगे उनकी रीडिंग इफेक्ट होगी उनकी सर्कुलेशन अफेक्ट होगी तो दिस वुड बी टेकन दिस वाज टेकन इन फैक्ट एज अ थ्रेट टू द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री लेकिन अगर इसके हम दूसरी तरफ देखें तो मोस्ट ऑफ द रेडियो स्टेशंस जो उस वक्त स्टैब्लिश किए गए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्पेशली

तो 1931 में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक जो इंटरेस्टिंग फिगर सामने आए हैं वो ये है कि आउट ऑफ फाइव हाउसेज हाउसेस हैड रेडियो सेट एट होम्स पांच घरों में से दो घरों में रेडियो सेट के तौर पर रेडियो सेट सुना भी जा रहा था और वो अवेलेबल भी था और वो इन्फॉर्मेशन और दोनों सूरतों में इंफॉर्मेशन एंटेनमेंट दोनों सूरतों में रेडियो का इस्तेमाल जारी था वहाँ पर लेकिन ये जो सेटअप है ये और ज़्यादा जिस तरह से कह सकते हैं इम्प्रूव हुआ सम टाइम इन 1938, 1940 ये वो वक्त था अगर आप अपने जहन में रखें कि वो वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगा हो चुका था दुनिया के अंदर तो रेडियो बिकेम अ वेरी पॉपुलर फिनिना एट दैट फिनिनाट देट टाइम वजह उसकी ये थी कि दुनिया के, के मुख्तलिफ ममालिक में जो जंग शुरू थी उनके मतलब जो खबरें हैं वो रेडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा दुनिया तक पहुँच रही थी तो पीपल कंसीडर्ड इज एज एन एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर होम्स तो इसलिए जब हम 1938 और 1940 के अंदर आप हाँ देखते हैं तो आउट ऑफ फाइव हाउस चार घरों के अंदर आ, रेडियो सेट अवेलेबल था एंड पीपल वर लिसनिंग टू रेडियो और उसको वो एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन या टूल ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ये आ, आ, चीज़ ऐसी थी जिसने वर्चुअली थ्रेटन किया न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को उन्होंने फिर डिमांड करना शुरू कर दिया कि इसकी कोई लाइसेंसिंग होनी चाहिए इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इसकी इस वाइड स्प्रेड को क्योंकि ये रेडियो अगर आ, आ, गलत हाथों में इस्तेमाल होगा तो ऐसी सूरत हाल में सोसाइटी पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं तो दिस काइंड सी पोलैमिक्स या इस किस्म की जो नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द रेडियो डिवलपमेंट थी वो न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस होने लगी और उसके वाले से फिर दुनिया के अंदर मुख्तफ स्टेप्स भी लिए गए बस जगहों पर कॉरपोरेशन बनी बाद जगहों पर ऐसे रूल्स और रेगुलेशन और लॉज इन किए गए जो कि रेडियो की एक्टिविटीज़ को मुख्तलि ममालय के अंदर गवर्न कर रहे थे तो इन शॉर्ट मैं अगर आपको ये कहूँ तो रेडियो वॉज नॉट इन फैक्ट एज सच वेलकम बट इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सेट फॉर द न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री लेकिन इसके जो वाइस वर्सा जो दूसरी इसके जो रिवर्स में जो चीज़ है वो ये कि न्यूज़ पेपर्स ने ही सबसे ज्यादा सीमिंगली इस पर इन्वेस्ट किया क्योंकि दे व स्कैड के न्यूज पेपर विल फेड आउट फ्राम द सोसाइटीज So then they would have at least one medium through which they would be able to communicate with the society. They would be able to send their message and information to the societies. This interesting phenomenon when radio commercial uh, medium this happened sometime in 1930s and 1940s. It was uh, institutions के के the organizations were in need of some money so that they can successfully operate these. Uh, मीडिया क्योंकि ये एक्सपेंसिव थे एयरवेव्स पे कंट्रोल हासिल करना आज तो अगर देखा जाए तो रेडियो uh, स्टेशन शायद बड़ी कम कॉस्ट कॉस्ट कर रहा है लेकिन उस वक्त इट वाज़ द न्यू इन्वेंशन दैट वाज़ रेयरली अवेलेबल इन द मार्केट सो दिस वाज़ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम एट दैट टाइम सो ऑफकोर्स दे इंटनड टू द सोसाइटी अब उस रेवेन्यू जनरेशन के लिए उनको इस मीडिया को कमर्शल भी ऑफ कोर्स करना था तो जब उस पर कुछ कमर्शल चलना शुरू हुई फॉर फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सम मनी तो उस वक्त इस को बड़ा ज्यादा कंडेम किया गया इस एक्ट को न्यूज़पेपर्स में बड़ा इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज यूजरपेशन ऑफ द एयर दैट वाज कंसीडर्ड एज पॉल्यूटिंग द द ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और उस पे उन लोगों ने अपने एक तरह से एक आ, आ, सोशल प्रायर आ, होना शुरू हो गया कि रेडियो को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपनी एयरवेवस को ओपन करेंगे तो दैट कैन गो इन दी हैंड्स ऑफ दोज हैविंग सम निफेरियस डिजाइन स्टेट्स तो ऐसी हाल में हम वोंट बी एबल टू काउंटर दैम तो इसके लिए गवर्नमेंट को रूल्स और रेगुलेशन बनाने की जरूरत है लेकिन एनी हाउ ये बिगिनिंग थी और न्यूज़ को अपना खौफ था कि न्यूज़ की जो सिग्निफिकेंस सोसाइटी के अंदर है वो कम हो जाएगी एंड रेडियो बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर मीडिया इस खौफ की वजह से इस किस्म के जो सेंटिमेंट्स थे वो न्यूज़ में कन्वे हो रहे थे और मुख्तलि फॉर्म्स के अंदर कन्वे हो रहे होते पहले इस फॉर्म के अंदर के रेडियो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिटिकल प्रोपिगेंडा के लिए इस्तेमाल हो सकता है फिर उसके बाद इस फॉर्म में कि रेडियो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू uh, जो एयरवेज पे कंट्रोल है वो कमर्शल uh, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है तो दीज ऑल वर इन फैक्ट द क्रिटिसिजम दैट वर अवेलेबल इन वेरी इनिशियल पीरियड ऑफ रेडियो डेवलपमेंट इन दस्ट्री ऑफ यूनाइट स्टेट्स रेड स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और रेडियो के पॉलिटिकल रोल की तरफ जाते हैं जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ रेडियो और खास तौर पर हमारे इस आज के लेक्चर का जो मेन थ्रस्ट है वो भी इस साइड पे रहेगा कि रेडियो को किस तरीके से पोलिटिकल प्रॉपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है मैं अगर इसकी एग्जाम्पल इससे शुरू करूँ कि नाइनटीन में फर्स्ट टाइम जब हिटलर ने चीकोसलावे किया जो सीजर का ईलान था जो उसके हवाले से दुनिया को बताना था कि वी हैव और वी हैव टेकन कंट्रोल ऑफ चिकोसिया तो उसकी जो अनाउंसमेंट की गई थी दैट वॉज मेड ऑन रेडियो एंड दैट वॉज इंस्टेंटली कम्युनिकेटेड टू द होल वर्ल्ड तो आ, ये जो 1933 से ऑनवर्ड भी अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि जर्मनी और आ, जो नाजी के जो मैसेजेस थे या नाजी हिटलर के जो मैसेजेस थे वो मुख्तफ ममालिक में कम्युनिकेट किए जा रहे थे और 1938 में जब यह सिलसिला हुआ तो वर्ल्ड हैट वेरी सीरियसली कि इस तरीके से अगर रेडियो डेवलप हो रहा है तो देट वुड बी डेफिनेटली पुटिंग दी डिप नेशन इन ट्रबल उस वक्त की डिवेल्प नेशनस में या सुपर पार्स में अफकोर्स जर्मनी भी था जापान भी था ग्रेट ब्रिटन भी था और इसके अलावा यूनाइट स्टेट्स भी तो नाजी जर्मन के इस ऐलान के बाद और इस किस्म की जो कम्युनिकेशन के बाद डेट वॉज टेकन समथिंग वेरी सीरियसली एंड उन ममालिक ने ये फिर डिसाइड किया कि देश शुड आल्सो यूज़ रेडियो एज ए पोलिटिकल टूल और इसके लिए फिर बाद में बड़ी एफर्ट्स भी हुई और उस पर एक डिटेल्ड uh, आप कह सकते हैं कि उस पर एक हिस्ट्री और उस पर एक डिस्कशन हो सकती है लेकिन मैं उनके ग्लिम्स जो है ना वो आपको देना चाहूँगा कि किस तरीके से फिर बाकी ममालिक ने भी इसको, इसको इस्तेमाल किया मैं ममालिक की बजाय अगर ये कहूँ कि जिस तरीके से आ, आ, नाजी हिटलर ने या एक आप कह सकते हैं कि पोलिटिकल आइडियालॉजी है उन्होंने किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया सिमिलरली जो फॉशिस्ट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया

बिलीफ सिस्टम को पहुंचा रहा था लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहा था एंड वेरी काउंटर करने के लिए मुख्तफ मैकनिज्म किए गए बल्कि अगर मैं यहाँ पे लॉज uh, वेल well को अगर कोट करूँ जिसने उस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज uh, दुनिया को रेडियो के हवाले से दिया वो मैसेज कोई इस किस्म का है ड्यूरिंग द वॉर पीरियड इट केम टू बी दैट द दोबलाइजेशन ऑफ मैन एंड मीन वॉज नॉट सफिशेंट हैं कि जो सोसाइटी के अंदर मीन uh, जो आपके वॉर लड़ने के हैं मैन के हैं वेपन के हैं वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हैं बट दीज आर नॉट सफिशेंट आपको लोगों को भी मोबालाइज करने की जरूरत है ऑन बोथ द साइड्स You have to mobilize your own people towards taking part in the war. And you have to demoralize your enemies at the same time. So propaganda you play very important role play. And radio at that time was the very important tool. In fact, someone used real radio broadcasting is propaganda. So you say that radio was in fact synonymously used for propaganda. आई I मीन mean, प्रॉपर गंडा के टूल के तौर पर ही उसका जो पोलिटिकल रोल है वो हमें नजर आना शुरू हुआ एंड दैट हैपन टू बी बिकॉज ऑफ वॉर इन वॉर एट दैट टाइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उसके बाद फिर एक लॉन्ग टाइम ऑफ कोल्ड वॉर तो एक तरह से uh, बड़े अरसे तक चूंकि सोसाइटीज़ uh, के अंदर दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था सोसाइटीज मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट लेडन थी तो उसकी वजह से जो रेडियो का रोल है वो बड़ा आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रोल के तौर पर सामने नजर आया और उस हवाले से मुख्तलफ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी दे वर इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर तो दे ऑल वर यूजिंग रेडियो एज ए टूल टू तू डोमिनेट द अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैं फर्स्ट आपको लेके जाता हूं कम्युनिस्ट रशिया की तरफ जहां उन्होंने रेडियो को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और उसपे ऐसे मैसेजेस पूरी दुनिया के लिए रिले करना शुरू किए जो कम्युनिज्म के पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो दुनिया को एजुकेट कर रहे थे उस पर कम्युनिज्म है क्या एंड हाउ कैन कामुनिज्म ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर सिस्टम्स तो उनकी एयर वेव्स दुनिया को कैसे अफेक्ट कर रही थी और किस किस्म के मैसेजेस कम्युनिज्म से रिलेटेड दुनिया को दिए जा रहे थे उसके हवाले से भी मैं चंद एक ग्लिम्सिस आपको दूंगा और प्लस जो जिन ममालिक के अंदर कम्युनिज्म वाज इन प्रैक्टिस या ये आइडियोलॉजी एक्सेप्ट हुई हुई थी आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ चाइना आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया एट दैट टाइम तो वहां पर उन लोगों के लिए भी ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट थी और अक्रॉस देयर बॉर्डर आई मीन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज थी वहां पर भी वो अपनी एक पॉप एक पॉपुलरिटी जनरेट करने के लिए अपने मतलब जो ओपिनियन है उनको पॉजिटिव करने के लिए और होस्टाइल ओपिनियन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने रेडियो को एक बड़े इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया मैं आपको लेन और उनकी गवर्नमेंट्स ने Uh, जो मैसेज नाइनटीन सेवनटीन में 30 अक्टूबर 1970 एग्जैक्टली एंड टू बी वेरी से उन्होंने जो मैसेज कम्युनिकेट uh, किया रेडियो के थ्रू दुनिया के लिए वो क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत हैज अ न्यू सोवियत गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ हैज बीन ओवर एंड अरेस्टेड हिमसेल्फ हैज फ्लैड All official institutions are in the hands of Soviet government. Ab this was the message, in fact, which was relayed on radio to the whole world. Or Soviet Union, ka ek se aap keh sakte this was a message to the whole world that communist government has been established. Or the uh, uh, Russia ki government jo exist kar thi, that is no more, and all the institutions of the state that are working. टूल्स ऑफ आर एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ द कामिस्ट गवर्नमेंट तो ये मैसेज उस वक्त आया और दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट मैसेज विच वॉज सेंड टू द होल वर्ल्ड और फिर उसके बाद जो उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से मॉस्को ने इसको एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल के तौर पर लेना शुरू कर दिया और उन्होंने एक फर्स्ट शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन भी डिवेलप किया दैट स्टार्टड फंक्शनिंग इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव और विद इन फाइव ईयर्स इस जो ऑल यूनियन रेडियो था इसकी जो रीच है दैट रीच टू ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज़ और प्रोपेगंडा की मुहिम जो है ना वो जर्मनी के अंदर वो फ्रांस के अंदर वो नीदरलैंड के अंदर और यूके के अंदर शुरू कर दी और जिन लैंग्वेजेस में शुरू की वो भी सारे के सारे इन्हीं ममालिक लैंग्वेज थी जिनमें फ्रेंच भी है जर्मन भी है डच भी है इंग्लिश भी है तो इन पूरी तमाम लैंग्वेजेस के अंदर इन ममालिक लोगों को मैसेजेस कम्युनिकेट होना शुरू हो गए जो बेसिकली प्रोमोशन ऑफ कॉम्यिजम के हवाले से थी कॉमुनिज्म के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे उनको देना शुरू कर दिया और इस हवाले से एक तरह से जो कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अगर मैं नॉम चॉम्सकी को काउंट उनको उसको अगर कोट करूं कि ये जो प्रोपेगेंडा था इनफैक्ट दिस वॉज इनफैक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट अबाउट द कॉमुनिज्म कॉमोनिज्म एक आइडियोलॉजी के तौर पर दुनिया के अंदर एक्सेप्ट हो रहा था

उन्होंने किसी ने इसको फॉल्स लाइट के तौर पर कहा कि इज एन आइडियोलॉजी विच इज नथिंग बट अ जस्ट अ फॉल्स लाइट विच ओरिजिनली इज नॉट समथिंग दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट दैट हैज टेक्स कंट्रोल ऑफ द पीपल्स मनी द पीपल वेल्थ और लोगों को एक यूनिट ऑफ एनर्जी के तौर पर कामुनिज्म इस्तेमाल करके अपने एंड्स को अचीव करने की कोशिश करता है तो एक तरह से uh, कॉमुनिज्म या काम्युनिस्ट फोर्सेस ने बड़े इफेक्टिवली रेडियो को एज ए मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ लैंग्वेज में अपनी ट्रांसमिशंस को मुख्तलिफ ममालिक ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया अच्छा यहाँ पे आ, दूसरी साइड पे अगर हम जाते हैं तो एक दूसरी जो हमारे पास आइडियालॉजी थी या एक डिक्टेटर था हिटलर्स की हम बात करते हैं हम जर्मनी चलते हैं वहां पे देखते हैं कि रेडियो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ रेडियो यूज बाय द नाजीज़ जिनको कॉमनली नाजिस के तौर पर पहचाना जाता है उन्होंने इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया तो नाजीज जब पार में आया 1933, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो को उन्होंने स्टेट ऑर्गन के तौर पर लेना शुरू कर दिया और उनकी जो प्रोपीगंडा मिनिस्ट्री थी नॉजिस की जो प्रोपीगंडा मिनिस्ट्री थी जिसको हेड कर रहा था जोजफ गॉबल्स इस बात पे बिलीव करता था कि रेडियो को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ा इनफैक्ट वो इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर था कि इसको, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एंड ही वॉज इनफैक्ट यूजिंग इट इन द काइंड ऑफ बैटल फील्ड हर किस्म की वो इसके इसको पॉलिटिकल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा था वो इकोनॉमिक मोटर्स को अचीव करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा था इसको तो एक तरह से ही वॉज थिंकिंग कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल इफेक्ट्स ओवर पीपल उनके अंदर जो एक्सट्रीमिज्म की फोशल uh, जो एक सेंटीमेंट्स uh, है वो भी डिवेलप किए जा सकते हैं और दुश्मनों को विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ मैसेजेस उनको डिमीनिंग स्टेटस uh, भी दिया जा सकता है उनको डिमोरलाइज भी किया जा सकता है और अपनी सोसाइटी को बिकॉज दे वारंसिडर टू बी दीपल दो दैम सेल्फ एज एज द ब्लड एज द नेशन एज द रेस जर्मन रेस जर्मन ब्लड जर्मन नेशन तो ये एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अंदर अपनी कौम के अंदर ये सेंटिमेंट्स डिवेलप करने की कोशिश की कि जर्मन आर सुपीरियर देन अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड तो ये चीजें एक साइड पे रेडियो के थ्रू रेडियो के मैसेजेस के थ्रू ये क्रिएट कर रहे थे वो अपने सोसाइटीज में जबकि दूसरी तरफ वो जो एनिमीज थे या एनिमी सोसाइटीज थी उनके लिए इस किस्म के मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो स्टेटस है वो अंडरमाइंड होना चाहिए उनका स्टेटस एक एनिमी का स्टेटस है और उनका स्टेटस कोई इस किस्म का नहीं है कि उनकी आइडियालॉजीज़ कोई इस किस्म की नहीं है जो बड़े लंबे अरसे तक चल सकें और उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सकें और अच्छी सोसाइटी को जनरेट कर सकें तो इस दिस काइंड ऑफ मैसेजेस जर्मन जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो अपने मुल्क के अंदर भी और अब्रॉड भी मरा जाइए के साउथ अमरीका ब्राज़ील और यूरोप के पूरे ममालिक के अंदर ये लोग रीच कर रहे थे और इस किस्म के मैसेजेस कन्वे कर रहे थे आगे चलते हुए मैं आपको जरा इटली की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पे एक फॉशिस्ट गवर्नमेंट जिसको पोलिटिकल टर्म्स के अंदर कहा जाता है वो उस वक्त इन कंट्रोल थी एंड देट वॉज हेडेड बाई मैसोलिनी बीनी मैसोलिनी ही वॉज इनफैक्ट द डिक्टेटर एंड ही वॉज यूजिंग रेडियो एज वेल फ़ॉर द प्रोमोशन ऑफ हिज़ ओन सेल्फ और जो उसकी अपने ममालिक जिन पे वो कब्ज़ा करना चाह रहा था उनके ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए फॉर इंस्टेंस कि एट दैट टाइम अगर मैं इसको 1935 में ले जाऊं कि जहां पर एथोपियो पे कब्ज़ा किया था मैसोलिनी ने तो उस वक्त एथोपियन पीपल को वो अपनी साइड पर लाने के लिए आ, इटली के मुतक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए रेडियो को कोर्स बड़ा एक्सेसिवली इस्तेमाल किया गया था और इसके अलावा नाइन तक उस वक्त भी मैसुलटिवली रेडियो को इस्तेमाल किया फॉर द प्रोमोशन ऑफ द आइडियोलॉजी दैट हीप और मैसोलोनी बेसिकली एक रेडियो स्टेशन भी उसने डिवेलप किया जिसको रेडियो बॉरी का नाम दिया जो कि सदरन इटली से जिसने काम शुरू किया और दैट वाज रीचिंग टू द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट ओनली यूरोप नॉट ओनली सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका दिस रेडियो स्टेशन वाज रीचिंग द अरब वर्ड एज वेल तो मैसूलिनी ने भी इस चीज को जान लिया था कि प्रॉपर के लिए जो बेहतरीन टूल हो सकता है और रेडियो है वो और उस को उसने बड़े एफेक्टिवली इस्तेमाल भी किया बी ने इस किस्म की जो उस वक्त एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था उस वक्त इसने बीबीसी ने आ, आ, जो रेडियो बारी है इसके मैसेजेस को मॉनिटर करना शुरू कर दिया इसके मुताबिक जो काउंटर आर्गमेंट्स होते थे वो उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया और इसके तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों किस्म के आर्गोमेंट्स एक सोसाइटी पर बम्बारमेंट होते थे एंड एक सट ऑफ जिसे आप कह सकते हैं कि लोगों के जहनों पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियालॉजीज़ डाली जाती थी उनको उस पर एजुकेट किया जाता था और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती थी तो ज्यादा से ज्यादा रीच एक तरह से जो एयरवेव्स है उनकी बैटल से शुरू थी एक तरफ कॉम्युनिस्ट थे दूसरी तरफ नाजिस थे तीसरी तरफ ये फॉशिस्ट थे और ऑफ कोर्स अभी कैपिटलिस्ट का दौर तो आए नहीं उनके डिस्कशंस में भी हम लेंगे तो ये कैपिटलिस्ट भी सारे के सारे आपस में आ रहे थे तो उस वक्त की जो फिज़ाएं थी उस पर मुख्तलिफ आइडियालॉजीज की जो प्रोपगेशन थी उसके हवाले से जो मैसेजेस थे वो आन आन वेरियस सोसाइटीज़ जो है ना वो बंबारमेंट उनकी मुसलसल हो रही थी दुनिया वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड से निकल के जब इस स्टेज पे पहुंचती है तो ये वो टाइम था जिसमें कोल्ड वार की सिचुएशन पैदा होती है और हर एक जो डामीनेंट आइडियालॉजी थी वो हर डामिनेंट आइडियालॉजी मुख्तलिफ इलाके के लोगों को अपनी तरफ ले आने के लिए या अपने एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने के लिए रेडियो को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी स्टूडेंट्स आपको अब लेके जाता हूं कि रेडियो और में कैसे क्या रोल रेडियो प्ले कर रहा था और किस किस्म के उस वक्त कम्युनिकेशन हो रही थी हमने थोड़ा सा ये तो जायजा लेने की कोशिश की कि जो आइडियोलॉजीज थी या मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पार थे वो रेडियो को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे अब मैं थोड़ा सा इस पर एक थोड़ी सी लाइट डालने की कोशिश करूँगा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर रेडियो कैसे इस्तेमाल हो रहा था वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अगर हम थोड़ा सा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसको अगर आप देखें तो प्रॉपर की प्रोपोगेशन जो है वो आ, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर की गई सबसे जिसे आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस उसकी पूरी दुनिया के अंदर नजर आई कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इट वाज नॉट ओनली देशन एंड आर्मी दैट कैन कंट्रीब्यूट इन 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 डिफीटिंग सम एनिमी या मुल्क पे कब्जा करने के लिए वेपन्स और मेन की जरूरत होगी बल्कि ये भी महसूस किया गया कि को मोबालाइज करना के दिमागों को ट्रांसफॉर्म करना दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर अगर हम देखें तो रेडियो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें नजर आता है अगर हम वॉर टाइम यूज ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन को अगर आप देखें तो उन्होंने शॉर्ट वेव्स का जो ट्रांसमिशन थी जो कि बड़े दूर तक अपने ट्रांसमिशंस को भिजवा सकता है मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकता है तो जापानीज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि उस वक्त निपन होसो कोकाई के तौर पर जानी जाती थी तो उन्होंने ए बड़ी दूर तक मैसेजेस ड्रॉप करने के लिए जिसमें इंक्लूडिंग जिसे आप कह सकते हैं कि यूएस फोर्सेज को डिमोरलाइज करने के लिए जो पैसिफिक आईलैंड हैं वहाँ पर मैसेज उन्होंने ड्राप करना शुरू किए जैपनीज अमरीकन जो एक तरह से टसल थी उसके हवाले से जहाँ कहीं भी अमेरिकन के नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो सकता था वेदर दिस इज इन यूरोप वेदर दिस इज इन एशिया सो दे वर रीचिंग ऑल ओवर सो दैट दे शुड बी एबल टू द अमेरिकन फोर्सेस दे शुड बी एबल टू लेसन द सपोर्ट फॉर द यूएस अटैक ओवर जापान तो इस हवाले से uh, उन्होंने बेतिहाशा मैसेज इस किस्म के पूरी दुनिया के अंदर भेजना शुरू कर दिए इसके अलावा जो उनकी ये जो uh, जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जिसको एन एच के कहते थे ये बड़ा हाई क्वालिटी उस वक्त कर रही थी और उनके प्रोग्राम जैसे फॉर इंस्टेंस के जीरो आर उनका एक प्रोग्राम था दिस एम्ड एट यू एस ट्रुप्स के यू एस ट्रुप्स को किस तरीके से डिमीन किया जा सकता है उनको किस तरीके से उनकी डिमोरलाइज किया जा सकता है एंड स्पेशली इन द पैसिफिक एंड जहां पर अमेरिकन फोर्सेस थी और जहां पर लोग अमेरिकन फोर्सेस को वेलकम कर रहे थे तो दे वांटेड टू देूमनाइज एंड डी मोरलाइज द अमेरिकन फोर्सेस ओवर देयर तो वो इस किस्म के मैसेजेस बड़े साइंटिफिकली डेवलप करके वो मैसेजेस वहां पर थ्रू रेडियो भिजवा रहे थे और uh, ये बड़े साइंटिफिक मैनर के अंदर इस किस्म का सारा काम चल रहा था आल दो के uh, इस किस्म के मैसेजेस के लिए एक काउंटर मैकेनिज्म भी बीबीसी दैट केम टू रेस्क्यू यूनाइटेड स्टेट्स इन दैट केस और बीबीसी ने अपने मैसेजेस यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से पॉजिटिव मैसेजेस देना शुरू कर दिए और उनकी जो एम्पायर सर्विसेज थी जो जापान और इसके अलावा बाकी जगहों तक रीच कर रही थी दे वर हेल्पिंग द यू एस फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द यू एस ट्रूप्स तो इन पैसिफिक आईलैंड इसके अलावा तो अगर आप देखें कि मुख्तलफ जो कॉलोनीस थी जहाँ पे ब्रिटिश तो एम्पायर का तो कंट्रोल था वहाँ पर भी ब्रिटिश एम्पायर के मुतालिक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या लोगों के जहनों को तस्खीर करने के लिए इस किस्म का प्रोपिगेंडा इस किस्म की पब्लिक ओपिनियन जो कि उनको फेवर कर सके उनके रूल को परपैचुएट करने में हेल्प कर सके वो बीबीसी भी बड़ी इफेक्टिवली कर रही थी जो कि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन थी दैट वॉज रन विद द हेल्प ऑफ और विद दसरशिप ऑफ द एम्पायर ऑफ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन उनके पैसों से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा था और वो इन तमाम कॉलोनीज को इनके साथ जो ब्रिटिश एम्पायर हैं उनकी तरफ ले आने की कोशिश कर रहा था इसी पे मैं अगर कंटिन्यू करते हुए अगर आप जाऊं तो जॉन रीथ जो के उस वक्त हेड कर रहा था बीबीसी को वो आ, अगर मैं इसको आ, आ, इन दर्ड्स दी, ऑफ इन दी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था वॉर टाइम इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं डॉक्टर गॉबल्स की बात कर रहा हूँ जो कि जर्मन था आ, वो जॉन रीत के मुतालिक जो उस वक्त बीबीसी को हेड कर रहा था और वार टाइम प्रोपेगेंडा को स्पियर हेड कर रहा था बना रहा था इनफैक्ट रहा था वॉज सेंग रीत इज इन फैक्ट दी अपोजिट नंबर अब ये एक टर्म दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे डॉक्टर गॉबल्स उसके लिए अपोजिट नंबर के तौर पर अपोजिट नंबर का टाइटल जॉन रीत को दे रहा था जो कि बीबीसी के तमाम एक्टिविटीज प्रॉबर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था ये जो एम्पायर सर्विसेज थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट اپنی ان में अपनी मैसेज को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी दीज ان فیکٹ اسٹیبلش سم سم ٹائم ان 1932 اور ان द बिगिनिंग جو ورلڈ وار شروع ہوتی ہے तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में अपनी ट्रांसमिशन uh, कर रहा था सो दैट पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज वेल उसमें अफ्रीकन लैंग्वेज भी थी उसमें अरेबिक भी थी फ्रेंच भी थी जर्मन डच इटालियन पुर्तगीज़, इस तरीके से स्पेनिश लैंग्वेज भी दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एट और इन तमाम लैंग्वेज़ में इन तमाम ममालिक मैसेज़ जो है वो कम्युनिकेट किए जा रहे थे अगर मैं इसको नंबर्स में अगर आपको बताऊँ तो बाई द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बी बी सी जो टोटल लैंग्वेज जिसमें मैसेज को मुख्तिक रीजनस के लिए कम्युनिकेट कर रही थी उनकी तादाद थर्टी नाइन तक जा पहुंची थी यानी टोटल थर्टी नाइन लैंग्वेज में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपने मैसेज को दुनिया के मुख्त ममालिकिए मुखलिफ हिस्सों के लिए डिसेमिनेट कर रही थी अफकोर्स लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके अगर कोई एक शख्स जो लैंग्वेज समझता है उसमें अगर उनको मैसेज कम्युनिकेट किए जाएंगे तो एक खास किस्म की प्रॉक्मिटी डिवेलप होती है और मैसेज की अंडरस्टैंडबिलिटी जो है उसके चांसिस बढ़ जाते हैं तो मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन मैसेजेस को कन्वे कर रहे थे अगर आप आज भी देखें तो आपको, आपको नजर आता है कि जिस मुमालिक में भी वो अपने अपने खोले हुए हैं वो उन मुमालिक के लोगों को उनकी लैंग्वेज के अंदर ही मैसेजेस दे रहे हैं फॉर इंस्टेंस वॉइस ऑफ अमरीका वो पाकिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज में भी और अंग्रेजी दोनों में ही मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है किसी किसी वॉइस ऑफ जर्मनी की अगर आप एग्जाम्पलें पर पाकिस्तान तो आपको वो उर्दू में मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी को अगर आप देखें तो उर्दू में उनके न्यूज़ बुलेटिन चलते हैं और मख्त किस्म के ट्रांसमिशन उनकी चल रही हैं तो लैंग्वेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और अभी तक उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के तौर तो पर कंसीडर किया जा रहा है उसकी वजह बेसिकली ये है कि बहुत सारे अंदर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है वो नहीं समझ जाती बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट तो लैंग्वेज मुख्तलफ़ लैंग्वेज़ के अंदर इन रेडियो स्टेशंस ने जो स्टेट रन मोस्टली हैं इन्होंने जो अपने मुताल पॉजिटिव ओपिनियन जनरेट कर रहे थे और उनके नेगेटिव ओपिनियन जनरेट कर रहे थे आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ यूरोप यहां पर भी चार्ज डेगा उनका एक लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर ही वॉज ऑल्सो डिकटेटर जो एक फ्रेंच जनरल जब आ, आ, पावर में आता है तो वो किस तरीके से फिर आ, आ, जो प्रॉपिकंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच पीपल के खिलाफ किया जा रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने भी एफर्ट्स किए उन्होंने फ्रेंच रेडियो का एक तरह से आगाज़ किया उन्होंने वो मैसेजेस कम्युनिकेट करना शुरू किए जो कि उनके एनिमीज के को डीमोरलाइज कर सके और उनकी आकुपेशन ऑफ देयर रीजनस यानी फॉर एग्जाम्पल के जो आकुपाइड आ, फ्रेंच एरिया था वहां पर उन जो आकुपेशन की फोर्सेस थी उनको इलिजिटिमेट फोर्सेस क्रिएट करने के उनको इलिज फोर्सेस आ, का एक टाइटल देने के लिए चार्स डिगाले ने भी अपनी मुहिम शुरू की अक्टूबर 1942 में और मई नाइनटीन फोर्टी में बहुत ज्यादा ऐसे मैसेज नजर आते हैं जो कि चार्स डिगाले ने शुरू किए और उन्होंने उन मैसेजेस के थ्रू दुनिया पे यह वाजे करने की कोशिश की कि फ्रेंच आर द पीस लविंग पीपल

जो ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान में एक एनिमिटी की सूरत हाल थी उस एनिमिटी की सूरत हाल में फ्रेंच को एक सुपीरियर नेशन के तौर पर आ, उसका जो पोस्चर है वो पूरी दुनिया तक ले जाने में और फ्रेंच को एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंड सुपीरियर नेशन के तौर पर अपीयर करने में जनरल डेगाले का बड़ा हाथ है और जनरल डेगाले ने उस हवाले से रेडियो को एक इफेक्टिव टूल के तौर पर इस्तेमाल किया बड़े हेवली और बड़े एक्सेसिवली इस्तेमाल किया एंड इन इनफैक्ट ही वॉज फॉलोइंग हिज़ कॉन्टम्प्रेरीज वो चाहे अगर आप इटली में देखें या आप उसको जर्मनी में देख सकते हैं आप उसको उस वक्त के ब्रिटेन में देख सकते हैं आपको उस वक्त के जापान में भी देख सकते हैं और सेम थिंग यू कैन सी इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल तो जनरलो टेकिंग रेडियो एज एन इम्पोर्टेंट टूल यूएस ने रेडियो को एक प्रोपिगेंडा के टूल पर भी इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ऑफिशियल ऑर्गन नाइनटीन में इस्टेब्लिश किया नेम्ड एज वॉइस ऑफ अमेरिका और वॉइस ऑफ अमेरिका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिटेशन के तौर पर आज भी काम कर रहा है और आज भी ये वही काम कर रहा है जो हमें के शायद वर्ल्ड वार टू के अंदर नज़र आता है लेकिन आज और वर्ल्ड वार टू के जो प्रॉफी था या उसकी जो ट्रांसमिशन थी आ, उनके अंदर यकीन एक बहुत बड़ा फ़र्क है पहले बहुत हार्श और बड़ी डिफरेंट लेवल की थी अब एक बड़े डिफरेंट लेवल पर वो चीज़ आ चुकी है तो यू एस गवर्नमेंट स्टिल आ, उस किस्म के इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल कर रही है लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें नज़र आती है कि यू एस गवर्नमेंट उस वक्त से लेकर आज तक इन इंस्टीट्यूशन को एज इस कमर्शल इंस्टीट्यूशन भी इस्तेमाल कर रहा है दे आर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन एंड दे यूज इट इवन इन वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड दे यूज दिस इंस्टीट्यूशन दिस मीडियम एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन तो so बेसिकली वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज नॉट कंसर्न ओनली इन प्रॉफिट मेकिंग दे आर आल्सो विद द डिलीवरी ऑफ द मैसेज एंड विद द एफर्ट्स टू क्रिएट अ ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द कम्युनिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट अप्रोचेस तो उसके लिए भी उनकी जो एफर्ट्स हैं वो आ, आन है और उसको अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उनका जो फर्स्ट एवर माउथ पीस बना जो प्रोपेगंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ ओवाई ऑफ अमेरिका था जो कि 1942 में टू हुआ थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और वर्ल्ड वार से बाहर निकल के जरा देखने की कोशिश करते हैं कि रेडियो एक आ, आ, कोल्ड वार में क्या रोल प्ले करता है आफ्टर वर्ल्ड वार टू जब आ, आ, वार एंड होती है तो उस वक्त दो ब्लॉक्स पूरी दुनिया के अंदर बड़ी विजिबल फॉर्म में सामने आते हैं एक कॉमुनिस्ट ब्लॉग कहा जा रहा है जिसको हैड कर रहा था यू एट दैट टाइम और दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉग जिसको हेड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्टिल दैट इज हेडिंग बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इस वक्त में आ, ये वो टाइम था जो कि इनफैक्ट कोल्ड वॉर का टाइम था देर वॉज नो एस सच वॉर एट दैट टाइम बिंग फॉट बिटवीन द कंट्रीज उस वक्त ना वो एक तरह से इनफ्लुएंस uh, की वॉर आहिस्ता आहिस्ता डिवेल हो रही थी बिकॉज की दीज टू कंट्रास्टिंग एंड कंफ्लिक्ट आइडियोलॉजीज वर देयर इन द वर्ल्ड दुनिया दो ब्लॉक के अंदर बड़े क्लियरली डिवाइड हो चुकी थी और ये क्लिवेज बड़ा वाज़े था और ये दोनों आइडियालोजीज़ अपनी सुपरमेसी को और अपनी सिग्निफिकेंस को दुनिया के अंदर इंक्रीज करने के लिए रेडियो को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी आल दो कि ये वो वक्त था कि जब दुनिया के मुख्तलफ ममालिकर इस चीज़ की तरफ लोग ज़्यादा कागनीजेंट हो गए थे ज़्यादा इस पर वाइज हो गए थे कि प्रोपिगंडा शुड नॉट बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और इसके हवाले से बड़े रूल्स और रेगुलेशन भी बनना शुरू हो गए थे बट स्टिल uh, uh, ये uh, दोनों आइडियालोजीज ये दोनों जो ममालिक एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए प्रोपेगंडा टूल के तौर पर रेडियो को इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन uh, uh, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस वॉज एंड स्टिल दिस इज अलियर वायलेशन ऑफ दू एन रेजोल्यूशन यूनाइट नेशन जो कि वर्ल्ड वार टू के बाद एक इंस्टिट्यूशन के तौर पर जो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने में अपना रोल प्ले करेगी ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करेगी उसमें बड़े क्लियरली मैंशन है कि प्रॉपेगंडा क्या है एंड दैट शुड बी डिस्करेज बट स्टिल यू सी के प्रोपेगंडा की वेरियस फॉर्म्स के अंदर प्रॉपेगंडा दुनिया के अंदर मौजूद है मैं अगर थोड़ा सा इस पर आपको ले जाऊँ कि यूनाइट नेशनस जो हैं 1947 की जो जनरल असेंबली के अंदर जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ हुआ है रेजोल्यूशन नंबर 110 सब 2 मैं इसकी तरफ अगर आपको ले जाऊं कि ये प्रा को कैसे डिफाइन करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगंडा विच आर आर लाइकली टू प्रोवोक आर इनकरेज एनी थ्रेट टू द पीस ब्रीच ऑफ पीस आर एक्ट ऑफ एग्रेशन तो अगर दोनों पार्टीज को देखा जाए चाहे जा वो कम्युनिस्ट ब्लॉक है या चाहे वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है हमें बड़े क्लियरली नजर आता है कि इसकी ब्रीच कर रही थी और आल्दों के ये इनक्रेज नहीं किया जा रहा था और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने इसके हवाले से अपनी एक रेजोल्यूशन भी पास कर दी थी लेकिन बड़े इफेक्टिवली ये आ, दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो रेडियो को इस्तेमाल कर रही थी मैं इस पे आपको एक छोटी सी केस स्टडी देने की कोशिश करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से स्पेशली इन दोनों ब्लॉक्स ने आ, रेडियो को एज ए टूल इस्तेमाल किया और अपनी आइडियोलॉजीज को प्रोपोगेट करने के लिए अपनी आइडियोलॉजीज के मुतालिक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के अंदर जनरेट करने के लिए वेरियस कंट्रीज को अपने साथ मिलाने के लिए किस किस्म के मैसेजेस और किस किस्म की एफर्ट्स इन लोगों ने की कंटिन्यू ऑन द प्रीवियस थॉट कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटीज ने मुख्तलफ तरीकों से रेडियो को एज ए टूल इस्तेमाल किया तो मैं उनकी एक केस स्टडी की के तरफ आपको ले जाता हूँ जिसमें रेडियो फ्री यूरोप जो कि 1949 में एज ए नान प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन्होंने शुरू किया आल दो यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉइस ऑफ अमेरिका है वो एक ऑफिशियल माउथ पीस है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जो उनके मुताबिक न्यूज़ दुनिया के मुख्त लैंग्वेज मुख्तलिफ पार्ट्स पर दे रहा है लेकिन एक और जिसे आप कह सकते हैं ना कि कोवल्ड कम्युनिकेशन आई I मीन mean, कम्युनिकेशन जो हो रही थी, थी उसको इस तरह से किसी ने स्पीयर हेड नहीं कर रहा था बल्कि एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सामने आ रहा है लेकिन दैट वॉज इनफेक्ट दोथ पीस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट जो कि कैपिटलिस्ट आइडियालॉजीज को आ, 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 दुनिया के ममालिक के अंदर एंड स्पेशली दैट स्पेशलीट फोकसिंग ऑन कॉम्यस्ट कंट्रीज जिसमें योगो सिलाविया है चिको सिलाविया था पोलैंड था और यकीन बहुत बड़ा रीजन सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी है और बहुत बड़ा रीजन जो रशिया की स्टेट्स अब बनी हुई हैं ये भी था इन सब पे ये जो रेडियो फ्री यूरोप था इनफैक्ट दैट वाज कम्युनिकेटिंग दम वेरियस मैसेजेस अबाउट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज एंड कैपिटलिस्ट आइडियालॉजीज़ तो ये उनको कम्युनिकेट कर रहे थे और सीमिंगली uh, ऐसे नज़र आता था कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में इस किस्म के रेडियो uh, स्टेशन को उन्होंने इस्टेब्लिश किया अब वो अपने मैसेजेस दुनिया तक पहुंचा रहे हैं एंड नॉट ओनली नाइनटीन 1963 में एक और आ, रेडियो स्टेशन भी आ, इस किस्म के नीड्स को कैटर करने के लिए रेडियो लिबरेशन के नाम से बनाया गया जिसको बाद में फिर रेडियो लिबर्टी का नाम दिया गया तो देट वाज आल्सो क्रिएटेड एंड फोकस ऑफ दैट रेडियो स्टेशन वॉज ऑल्सो टू प्रोपेट दू एस मोटिव यू एस पोलिटिकल इन द वर्ल्ड लेकिन उनका भी यहाँ पर मेन फोकस था वो इनफैक्ट द कम्यनिस्ट स्टेट्स थी वो स्टेट्स थी जहां पर कम्युनिज्म था और कम्युनिज्म छाया हुआ था यूएस गवर्नमेंट इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बड़ी हेविली फंड कर रही थी रदर इनके जो हेड्स थे सम वो सम्वर्ड यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे जो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर रहे और यूएस गवर्नमेंट इनको जिसे आप कह सकते हैं अंडर द टेबल बेतिहाशा फंडिंग इनकी जा रही थी और फिर बाद में ये हुआ कि 1975 के बाद या 1975 में ऑलमोस्ट रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी को मर्च कर दिया गया एंड अपीयर टू बी वन इंस्टीट्यूशन जिसके बोर्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर भी एक बना दिया गया और इनकी जो एफर्ट्स थी एक तरह से उनको कंबाइन किया गया जो कि यूएस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिज्म में यूएस को सपोर्ट कर रही थी और इनके जो रेगुलर ब्रॉडकास्ट थे वो तो यकीनन बहुत पहले से शुरू हुए लेकिन अब उनमें जो है ना वो बेतहाशा इजाफा हो गया और इस इजाफे के बाद प्रॉब्ली देर वॉज हार्डली एनी प्लेस वे दे आर नॉट रीचिंग दे वर रीचिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेशन इनकी जो है ना वो फोकस इस बात पर हुआ करती थी कि जो यू एस गवर्नमेंट्स की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दुनिया तक पहुँचाई जाएँ उनके एक्टिविटीज को दुनिया को उस पर एजुकेट किया जाए यू एस सोसाइटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके कल्चर के उनके वे ऑफ डूइंग थिंग्स को उनको प्रॉपरली सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तु सोसाइटीज़ के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और इसमें इनिशियली uh, अगर इसको uh, आप देखें तो दे वर रीचिंग एवरीवेयर और uh, उनकी लैंग्वेजेस में यानी इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड दे वर गिविंग देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूएस सोसाइटी इन ऑलमोस्ट सेवनटीन लैंग्वेजेज जो कि सोवियत जूनियर के अंदर मोस्टली बोली जा रही थी उनकी सारे सेवनटीन लैंग्वेजेस के अंदर चाहे वो योगो का इलाका था चाहे वो रोमानियन का इलाका था हंगरी का इलाका था या बल्गारिया का इलाका था दे ऑल वर इनफैक्ट रीचिंग ओवर दैम एंड Providing them information about the US society, US ways of life, and about the positive things of capitalism in 17 different languages. And they were in fact fighting communism at ideological level uh, with the help of radio or uh, uh, literature that the US government ka hi mostly produced or sponsored or dictated literature tha, wo radio waves ke through in the regions tuk ja tha. primarily is ke do one was to undermine the communism in those countries and the other was to show the superiority of capitalism over communism. so both the ways it was in fact providing information to the people in, in all these areas and not only to these areas, rather to most part of the europe, most part of arab and south africa or uh, asia or yevomalekbi, unki, reach सोवियत यूनियन और इसके अलावा जो वारसा पैक के और कंट्रीज थे इन्होंने इस चीज़ को बड़े सीरियसली कंसीडर किया हुआ था और इनके रोल को वो बड़े आसानी से और बड़े क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे थे एंड दे ट्राई टू जैम द काइंड ऑफ ट्रांसमिशन दैट दे आर मेकिंग इन दिस कंट्रीज उन्होंने अपनी एफर्ट्स उनको जैम करने की कोशिश की जिसकी वजह से आज हम ये कहते हैं कि देर वॉज एन आयरन कर्टन एंड द अमेरिकन एयरवेज वर अनेबल टू रीच बियॉन्ड दोज कर्टन Uh, क्योंकि वो आयरन कर्टन बेसिकली एक जैमिंग ऑफ द वेव्स एयर वेव्स जो के रेडियो फ्री यूरोप या आप रेडियो लिबर्टी के हवाले से थी वो उन्होंने uh, उनको जैम करने के लिए यूएस uh, और कम्युनिस्ट फोर्सेस ने इस किस्म की एक्टिविटीज जनरेट की हुई थी एंड देवर कंसीडरिंग इट वो वो इसको एक लफ्ज़ दे रहे थे कि रेडियोस अबोट यानी जो uh, ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा था उसको uh, ये भी कहा जा रहा था कि यू इलेक्ट्रॉनिक एमपीरियलिज्मी रशियन इस कोशिश ये कर रहे थे कि उनको जैम भी कर दिया जाए एंड देवर ऑल्सो नेमिंग इट विद देल्प ऑफ देयर ओन सोर्स जो कि रेडियो के सोर्सेज थे उसमें उसको यू एस इलेक्ट्रॉनिक एमपीरियलज्म के तौर पर भी दे रहे थे और इस तरीके से वो उनको डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऑन द अदर हैंड यू एस फोर्सेज चाहे वो रेगन uh, की फॉर्म में है या आइजन हॉवर की फॉर्म में है उन सब की कोशिश यही थी कि किसी तरीके से रशिया और रशिया के जो एलाइड कंट्रीज हैं उन तक इनग्रेस हासिल किया जाए और उन के मुतालिक जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनकी पॉपुलेशन को बताया जाए और पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द अमेरिकन सोसाइटी एंड अमेरिकन आइडियोलॉजी वो उन तक पहुँचाई जाए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इस थोड़े से टाइम के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इशू पे जो कि बड़ी डिटेल डिस्कशन मांगता है मैंने कोशिश की कि आप तक कुछ डिटेल्स पहुंचाऊं और आई रेडियो को एज़ ए टूल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मैंने बताने की कोशिश की है और किस तरीके से एक एयर जो हमारी है जो एयर वेव्स हैं वो किस तरीके से एक बैटलफील्ड भी साथ साथ बनी हुई थी फॉर द वेरियस कन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज़ इन द वर्ल्ड जिसमें कॉमनिज आइडियोलॉजी में और कैपिटल आइडियालॉजीज थी लेकिन इसके साथ साथ जो वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो आइडियालॉजीज़ थी वहाँ पर या जो आइडियालॉजीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में थी जैसे नाजीज़म हो गया या इटली की मिसलूनी का जो कॉन्सेप्ट हो गया या सिमिलरली फाशिस्ट गवर्नमेंट और जनरल डिगाले का जो रोल था ये भी साथ साथ मैंने आ, एक तरह से फुट नोट्स की सूरत में आप तक पेश करने की कोशिश की उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा हमारी डिस्कशन इन ईशूज पर मजीद भी जारी रहेंगी अगले लेक्चर्स तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़